कौन है आपके एक्सीएन का क्या पोजीशन है, तो क्या फायदा क्या हुआ फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन थी ना 3 दिन पहले, इतनी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आपकी वो, तो इसका मतलब आप लोग सीरियस ही नहीं हो ना किसी काम के लिए, ना आपका कोऑपरेशन है, तो फिर क्या मतलब हुआ ये, अभी भी आपको आधा घंटा लगे सारा स्टाफ पड़ा। आने वाले चंद रोज में मॉनसून दिल्ली में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे में बरसाती नालों की सफाई को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के उप महापौर योगेश दा ने सोमवार को वजीरपुर विधानसभा में सभी निगम पार्षदों, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ नालों का निरीक्षण किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इसमें शामिल होने के बजाय निरीक्षण की नियत पर ही सवाल उठा दिया। 3 दिन पहले इतनी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी आपकी, तो इसका मतलब आप लोग सीरियस ही नहीं हो ना किसी काम के लिए, ना आपका कोऑपरेशन है। नेक्स्ट वीक हो जाएगा पूरा ये रोड, तुम ये बताओ ये हाल के बाद क्या होगा, पूरा पीछे पीछे हमारा भी सारा चौक हो रहा होगा। इसको कम्प्लेंट, वैसे तो बारिश में वाटर लॉगिंग पूरी दिल्ली की समस्या है, लेकिन अशोक विहार के लोगों को इस बार ये नरक ना झेलना पड़े इसके लिए इलाके के निगम पार्षद और उप महापौर योगेश गुप्ता ने सोमवार को सभी पार्षदों और अधिकारियों के साथ निरीक्षण का कार्यक्रम रखा। नगर निगम के सभी छोटे नाले पीडब्ल्यूडी के बड़े नालों में जाकर गिरते हैं, इसलिए पीडब्ल्यूडी को भी सूचना भेजी गई कि निरीक्षण के लिए वो अपना कोई उच्च अधिकारी भेजें, लेकिन 3 दिन पहले सूचना देने के बाद भी पीडब्ल्यूडी की तरफ से एक असिस्टेंट इंजीनियर ही आया, वो भी घंटों की देरी से। पीडब्ल्यूडी मुझे नहीं मालूम किस कारण से आज इस मामले में उदासीन थी, उन्होंने अपने किसी भी उच्च अधिकारी को नहीं भेजा, जबकि इसकी सूचना हमने 4 दिन पहले ही सभी अधिकारियों को भेज दी थी। आज केवल एक असिस्टेंट इंजीनियर उनका यहाँ पर आया और उसको भी पूरी बात का मालूम नहीं था। जैसे हम अपने सेंट्रल मार्केट के अंदर देखने गए, फिर उसके बाद हमने देखा वो भरा हुआ था, फिर हम वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में देखा वहाँ पर भी भरा हुआ था, केशवपुरम के भी सभी नाले भरे हुए थे। उप महापौर ने पीडब्ल्यूडी के साथ ही आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर भी सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि समस्या का समाधान करने के बजाय आप पार्टी के पार्षद राजनीति कर रहे हैं। वजीरपुर नस्ल एरिया के अंदर भी दौरा रखा था, लेकिन उसके काउंसलर को भी इनवाइट किया, इसी प्रकार से हमने आज जो निमड़ी कॉलोनी के काउंसलर को भी इनवाइट किया था, लेकिन वो दोनों काउंसलर भी नहीं आए और उन्होंने हमसे मना भी कर दिया निमड़ी कॉलोनी के काउंसलर ने, तो कि आपको मेरे यहाँ पर विजिट करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे नहीं मालूम उसके पीछे, शायद नालों के पीछे भी उन्होंने कोई राजनीति दिख रही थी, मेरा तो उद्देश्य केवल ये था। वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षद ने उप महापौर के आरोपों को नकारते हुए उनके निरीक्षण की नियत पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि भाजपा के पार्षद इस मामले में राजनीति कर रहे हैं, इसलिए निगम के गंदे नालों को साफ करने के बजाय निरीक्षण में केवल पीडब्ल्यूडी के नालों का ही निरीक्षण किया गया। कि मैं जब पहुंचा तो वो निकल चुके थे और मेरी कल उनसे बात भी हुई थी कि आप इंस्पेक्शन कीजिए, लेकिन इंस्पेक्शन करने का एक पॉजिटिव वे होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि आप आए और सिर्फ पीडब्ल्यूडी के नाले चेक करके चले गए। उन्होंने 2-3 नाले चेक किए और सिर्फ पीडब्ल्यूडी के, एमसीडी का एक भी नाला आपने चेक नहीं किया। तो जो आपके अंडर डिपार्टमेंट आता है, जो आपके अंदर आता है, उसको तो आप चेक नहीं कर रहे, पहले अपना घर सही करो, उसके बाद तो दूसरी जगह चेक करोगे। अगर इंटेंशन सही होती है काम, अगर नीयत सही हो तो नाले भी अपने आप साफ हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नीयत मेरे को लग रहा है वो नहीं थी, नीयत सिर्फ राजनीति एक रस्साकसी की थी, एक दूसरे पे दोष। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट।